हेलो तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप OBS कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर स्ट्रीम करने के लिए। तो OBS कैसे इंस्टॉल करना है ये मैंने बता दिया है, आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप OBS लॉन्च कीजिए। और अब हम बताने वाले हैं कि OBS कैसे यूज़ करना है। तो OBS यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ खुलेगा, हो सकता है आपका वाइट में खुले, मैंने थीम चेंज कर रखा है। आपको यहाँ मिलेगा सीन और यहाँ मिलेगा सोर्स, इस दोनों पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो सीन में वो होगा कि आप कोई भी सीन क्रिएट करना चाहेंगे, जैसे कि सीन वन है, सीन टू होगा, सीन मतलब आप कोई भी सीन क्रिएट करना चाहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सीन कहने का मतलब एक स्क्रीन, जैसे ये एक स्क्रीन दिख रहा है ना आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक, इसको जूम कर देते हैं, ये स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो ये एक स्क्रीन हो गया। आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन पर मेरा जो है वीडियो कैप्चर हो, मतलब मेरा इसको रिमूव कर देते हैं, इस स्क्रीन पे आप चाहते हैं कि मतलब मेरा कैमरा दिखे, यानी कि जो जिससे मेरा फेस दिखे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस में, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस चूज करना है, जैसे कि आपका जो भी होगा। उसके बाद मेरा इंटीग्रेटेड वेबकैम HD है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही तो ये मेरा कैमरा ऑन हो गया, देख लिए मेरा फेस आ गया। तो इससे आप जो है सो अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाए, मतलब अपना फेस रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसके बाद ओके कर दीजिए। और ये चूंकि इसका रिजोल्यूशन आप देख पा रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो इसको आप इसको ये स्क्वायर बॉक्स के तरह दिख रहा, तो इसको आपको जो है सो रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पर रिजोल्यूशन पे जो है सो रिजोल्यूशन पे जो है सो 128x720 जो है सो पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए स्क्वायर बन गया, स्क्वायर कहा गया, रेक्टेंगल बन गया, उसके ओके कर देना है। या देखिए फुल स्क्रीन हो गया। और आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी रिकॉर्ड या स्ट्रीम करते समय कुछ और सीन्स क्रिएट करें, जैसे कि एक दूसरा सीन्स क्रिएट करेंगे, उसमें हम डालेंगे, उस सीन में हम डालेंगे कि मतलब कोई भी इमेज डालना चाहते हैं, कहाँ गया, हाँ इमेज, तो इमेज पे क्रिएट करें, मतलब उसके बाद इमेज फाइल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये खुल गया मेरा, इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है, अरे इमेज कहाँ है यार, ये रहा पिक्चर्स, उसमें कोई भी पर्सनल नहीं करेंगे, पिक्चर्स में वॉलपेपर, हाँ तो वॉलपेपर में ट्वीट, ये कोई भी पिक्चर है, इसको ओपन कर लेंगे और इसके बाद ओके पर दबा देंगे। उसके बाद आप जो है उस पिक्चर को सिंपली यहाँ से ऐसे करके ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर छोड़ देंगे। तो आप मान लीजिए स्ट्रीम कर रहे हैं, अपने स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब, अचानक चाहते हैं कि ये दिखे और अचानक चाहते हैं आपका फेस दिखे, तो आप फेस पे क्लिक कीजिएगा तो स्ट्रीम लोग आपका फेस देखना शुरू कर देंगे, और आप तुरंत इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पिक्चर। और आप चाहते हैं कि एक और नया चीज़ क्रिएट किया जाए जिसमें कि लोग आपका स्क्रीन देखे, मतलब डेस्कटॉप का स्क्रीन, तो उसके बाद सीन थ्री क्रिएट किए, उसके बाद जाएंगे आपको कहाँ पे विंडो कैप्चर, नहीं विंडोज़ कैप्चर, आपका स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन कैप्चर, उसके बाद ओके करेंगे क्रिएट न्यू। उसके बाद देखिए आपका स्क्रीन कैप्चर हो रहा है और उसके बाद ओके कर देगा, तो देखिए स्क्रीन कैप्चर हो रहा है, आपका स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वो इसमें दिख रहा है। तो तुरंत सीन टू पर चले जाएँगे, स्ट्रीम करते समय तुरंत सीन वन पर चले जाएँगे। आप बस समझ गए होंगे मतलब इसका मतलब सीन का क्या मतलब होता है। अब आपको सोर्स पे ध्यान देना है, तो एक सीन में जो भी ये सीन है उसमें आप कौन कौन सा चीज़ लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सोर्स में ये फिलहाल ये वीडियो कैप्चर कर रहा है मेरा, आप चाहते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी आ जाए, तो आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ऐसे ही ब्राउज करेंगे जैसे मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ HD वॉलपेपर वन जैसे कुछ भी इमेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ये इमेज बहुत ही बड़ा है तो इसको छोटा कर देंगे, देखिए इमेज का साइज बहुत बड़ा है और इसका रिजोल्यूशन, तो इसको छोटा कर देंगे, ये रहा छोटा हो गया और छोटा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, यार कितना बड़ा हो गया था ये, अब छोटा हो गया पर्याप्त, और इसको बड़ा कर देंगे, इसको पूरे स्क्रीन पर ला देंगे। और चाहते हैं इसको और थोड़ा नीचे कर दिया जाए, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा नीचे किया जाए,
हाँ ठीक है, और इसको आप चाहते हैं आपके राइट साइड में मतलब यहाँ पे दिखे, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं लोग। उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्ड खींचेगा तो आपका फेस भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। ठीक है, सीन का मतलब समझ गए, तुरंत तुरंत आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी, तुरंत डेस्कटॉप पे आ रहा है, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुरंत आपका फेस दिखाना चाहते हैं मतलब अपने वीडियो में, तो ऐसा कर सकते हैं। सोर्स में जो है सो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे ये है और भी बहुत सारा सोर्स है, जैसे कि आप VLC मीडिया प्लेयर जब प्ले कर रहे होते हैं तो उसका वीडियो अगर प्ले करना चाहते हैं, उससे वीडियो कैप्चर डिवाइस से अगर आप कोई भी वीडियो है आपका मतलब आपके जो है मतलब सिस्टम में है उसको आप प्ले करना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, तो इससे सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन कैप्चर, आपको बता दिया। सीन क्रिएट करना है सीन में जो है सो बेसिकली यही होता है कि जो भी जो है सीन जो है मतलब ऑलरेडी जो सीन बन चुका है वो मतलब इसमें जो सीन सब है उसमें जो भी है उसको आप जो है सो सिंपली कॉपी कर सकते हैं, उसी से यहां से सीन क्रिएट करना होता है। और भी बहुत सारा चीज़ है, मीडिया सोर्स है, मीडिया सोर्स कहीं से लिंक है आपका, इमेज से इमेज डाल सकते हैं, इमेज स्लाइड से उसे इमेज स्लाइड से डाल सकते हैं, कलर सोर्स से, और भी बहुत सारा है। आप बार बार इसको ऑडियो एक आउटपुट और कैप्चर ये सब देख देख, जनरली जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो यही है कि आपका विंडो कैप्चर किया जाता है या तो वीडियो लाया जाता है VLC से, या कभी कभी स्ट्रीम पे टेक्स्ट दिखाया जाता है, या स्क्रीन कैप्चर किया जाता है, जनरली यही सब यूज होता है ज़्यादातर। वीडियो कैप्चर डिवाइस यानी कैमरा, यही चारों जनरली ज़्यादातर यूज होता है, तो यही आप बाकी सब जो है सो ज़्यादातर यूज नहीं होता है, इसलिए जानना उतना ज़रूरी नहीं, आपके ज़्यादातर यही काम आएगा। और ये हो गया वीडियो सोर्स। अब मिक्सचर पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो मिक्सचर पे होता है ये बेसिकली, ये देखिए माइक और ऑक्स जो है ये, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा, अब बोलना बंद कर रहे हैं तो नीचे चला जाएगा, तो ये दर्शाता है कि आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो। इसका वॉल्यूम आप कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऑडियो का मतलब होता है कि आपके डेस्कटॉप पे अगर कोई गाना चल रहा है या कोई वीडियो का जो है ऑडियो, कोई भी ऑडियो फाइल चल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करता है डेस्कटॉप। मान लीजिए जनरली होता है कि डेस्कटॉप पे आपको जो गाना चलता है वो जनरली कम साउंड दे रहा होता है और आपका जो है सो माइक ज़्यादा साउंड दे रहा होता है, तो आप इसको राइट साइड में सेटिंग होगा, ये देख रहे हैं छोटा सा, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ गया एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज फिल्टर्स ये सब, तो ये सब ऑडियो जनरली आप फिल्टर से जाके इसको यहाँ से गेन जो है यहाँ पे देख सकते हैं गेन है, हम इसको मैंने इसको बढ़ा रखा है 21 पे है, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। और यह स्क्रीन ट्रांजेक्शन पे जो है सो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये नॉर्मल जैसा है वैसे ही रहने देना। उसके बाद आता है यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए, स्ट्रीमिंग करना है तो स्ट्रीमिंग पे क्लिक कीजिए, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। स्टूडियो मोड पर क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरीके का दिखेगा, और कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। सेटिंग पर आप ध्यान देते हैं, सेटिंग में आपको जनरल में ज़्यादातर चीज़ को ऐसे ही रहने देना है जैसे है, क्योंकि आपको बिगिनर्स है तो आप जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना, धीरे धीरे आप सीख, अगर थीम चेंज करना है तो यहाँ जो जनरल में डार्क है उसको आपको जो है डिफ़ॉल्ट पे जाके क्लिक कर दीजिएगा तो वाइट हो जाएगा, नहीं तो जनरली जो है, अरे यार क्या हो गया, लैंग्वेज मेरा कुछ और सेलेक्ट हो गया, इंग्लिश होना चाहिए, और डार्क देखिए मेरा वापस से डार्क पे आ गया है, इस सबको ज़्यादा छिड़छाने का। स्ट्रीम, अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो स्ट्रीम URL और एक स्ट्रीम की दोनों आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा आपके यूट्यूब चैनल का। अब ये स्ट्रीम की और URL कहाँ मिलेगा, देखिए एक ऑप्शन है कस्टम स्ट्रीमिंग सर्वर, इसको वहीं पे रहने देना है, और उसके बाद URL और स्ट्रीम की आपको कॉपी करना है, और कहाँ से कॉपी करना है तो ये आपके यूट्यूब के स्ट्रीम सेक्शन में मिलेगा, जो कि अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे। जैसे कि ये मेरा खुल गया ब्राउज़र, और ये मेरा नया टैब, मेरा यूट्यूब खुल रहा है, खुल जा सिम सिम, खुल ना भाई, अरे यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, असल में मेरा ओरिजिनल डेटा जो है सो ख़त्म हो गया ना, तो इसीलिए जो है मतलब कि इसीलिए जो है सो मेरा दूसरा इंटरनेट यूज कर रहे हैं जो कि बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए जो है सो बहुत अभी देर लग रहा है। देखिए खुल गया, उसके बाद आपको राइट साइड में जाना है, यहाँ पे आपका जहाँ पे लोगो होगा, आपका फेस होगा या फिर आपका जो भी वॉल, उस पर क्लिक करना है,
उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाना है आपको, क्रिएटर स्टूडियो में, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में लाइव स्ट्रीमिंग, उस पर क्लिक करना है और खुल गया सिम सिम, खुल गया। और इस पर जो है सो नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे है ये लाइव स्ट्रीम नेम की, यहाँ पे देख सकते हैं यह है नीचे में है, और स्ट्रीम सर्वर यूआरएल, इसी दोनों को आपको ठीक उठा के वहाँ पेस्ट कर देना है जहाँ पे मैंने बताया था। यहाँ पे यूआरएल स्ट्रीम की पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ऊपर में और भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जो है सो आप थंबनेल चेंज कीजिएगा, जो आप स्ट्रीम करिएगा तो उसमें जो थंबनेल लगाना चाहेंगे उससे लगा सकते हैं। उसके बाद बेसिक इन्फो में यहाँ पे टाइटल डालना है, जैसे कि मैंने डाला हुआ लाइव स्ट्रीम, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पब्लिक करना है या नहीं, उसके बाद इसमें और क्या होता है, और थंबनेल होता है, टाइटल होता है, और कुछ नहीं होता है, यही होता है जो होता है। तो यहीं से आप स्ट्रीम कीजिएगा। तो ये ट्यूटोरियल यूट्यूब का नहीं है, ये जो है सो बेसिकली OBS का ट्यूटोरियल है, तो OBS पे हम ध्यान देते हैं। तो ये हो गया स्ट्रीमिंग का। अगर आप कस्टम स्ट्रीमिंग से सीधे क्या कहते हैं स्ट्रीमिंग सर्विस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका स्ट्रीमिंग सर्विस आ जाएगा, जैसे कि ट्विच है, यूट्यूब गेमिंग है, स्नैप स्मैश कास्ट है, mixer.com है, ये सब है, फेसबुक लाइव है, तो इस सब पे भी जो क्लिक कर सकते हैं। इस सब पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है सिर्फ स्ट्रीम की जो है चाहिए, और कस्टम पे क्लिक कीजिएगा, कहाँ गया मेरा, हाँ तो कस्टम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो कस्टम था, तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद दो चीज़ मांगेगा, सर्वर यूआरएल भी और स्ट्रीम की भी। लेकिन अगर आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो है जो स्ट्रीमिंग सर्विस दिया है, जैसे ट्विच है, यूट्यूब है, वो सब डालना है। तो स्ट्रीमिंग सर्विस पे आपको खाली स्ट्रीम की डालना है, तो यही है, जनरली आप यही रहने दीजिए कस्टम स्ट्रीमिंग पे, और URL और स्ट्रीम की यूट्यूब से डाल के उठा के ला के डाल दीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन है आउटपुट। आउटपुट में आपको जो है बेसिकली आउटपुट मोड सिंपल रहने देना है, बिट रेट 2001 कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा होगा ये 2500 के आसपास होगा। सॉफ्टवेयर X264 रखने दीजिए। ऑडियो बिट रेट टू जनरली सब चीज़ जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। रिकॉर्डिंग क्वालिटी सेम है, स्ट्रीम ये सब जनरली ऐसा है जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अगर आपको जानना है कि बेस्ट सेटिंग क्या है आपके लिए OBS में, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बिगनर्स ट्यूटोरियल है तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ऑडियो में जो भी है जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। वीडियो में एक ध्यान रखिए रिजोल्यूशन है एक, तो ये रिजोल्यूशन जो होता है आपको जो है सो रिजोल्यूशन यहाँ पे, तो जनरली HD को कहते हैं, 1280x720p को कहते हैं HD, और 1920x1080p को जो है सो उसको कहते हैं फुल HD। तो जनरली आप फुल HD या HD आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। मेरा जो है सो HD में हम स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि फुल HD की जगह तो ज़्यादा डेटा लगेगा। और एक और बात है, डाउन स्केल फिल्टर में जो है सो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको हमेशा रखें 32:2 पे, मतलब शार्पेंड स्केल पे 32 पे। इससे आपका अगर CPU यूज होगा ज़्यादा, अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो 32 पे ही रखें, लेकिन क्वालिटी भी देगा। लेकिन अगर आपका CPU मजबूत नहीं है, जैसे कि आप i3 प्रोसेसर से नीचे इंटेल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है सो इस दोनों पे से किसी एक पे रखिए, नहीं तो आपका i3 है या उससे ज़्यादा है तो आप जो है लैंकनोज शार्पेंड स्केलिंग 32 इस पे रखिए, ठीक है। फ्रेम रेट आपका नॉर्मल 32 है, उसको वैसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। हॉट की को वैसे ही रहने दीजिए। एडवांस में देखिए, एडवांस को भी लगभग वैसे ही रहने देना है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। और बेस्ट सेटिंग अगर आपको जानना है OBS का आपके लिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसको देख लीजिएगा अगर होगा तो। और यही था OBS, और इसके अलावा कुछ है नहीं। आप इसको आराम से, जो मेरा लाइट कट गया है तो मेरा अंधेरा हो गया रूम में, तो इसी तरीके से जो है सो आप कर सकते हैं अपने OBS का ट्यूटोरियल। एकदम सिंपल है OBS, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें। अगर आप एक और बात बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है सो डेस्कटॉप ऑडियो ही सिर्फ आए, और आप कई बार होता है स्ट्रीम करते समय या रिकॉर्ड करते समय कि आप घन घन एकदम बाहर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, वो होता है माइक के कारण, तो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो नॉइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। और डेस्कटॉप ऑडियो को फुल रहने दीजिए, वो डेस्कटॉप पे अगर गाना वाना बज रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसका ऑडियो है, ठीक है। और यही है जो है इसमें, और कुछ था नहीं।
और नॉर्मल यही है, आप सीख गए हैं आप OBS, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।